डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल अंशी जोड़ी क्लास में। तो आज हम रेड बीडेड ईयरिंग्स बनाएंगे। उसके लिए मैंने रेड बीड लिए हैं 3 mm में, और जो टोटल 8 बीड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। और सुई धागा से हम इसे बनाएंगे। इससे पहले भी मैं ये आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, बट तब हमने वायर के साथ इस डिज़ाइन को बनाया था। तो अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप धागे से भी बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैं टोटल 8 बीड डाल लूँगी, और डालने के बाद हमें इसे टाइटली नोट लगा देना है। तो जो हमें नोट लगाना है वो 2 से 3 बार अच्छे से लगाना है, गैप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ढीला रह गया तो वो हमारा डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। तो अगर हम टाइटली बंद करेंगे तभी इसे राउंड शेप आएगी। तो अगर आप बड़े बीड यूज़ करते हो तो वो कम लगेंगे। तो देखिए, उसके बाद हमें जो थ्रेड को कट करना है वो थोड़ा गैप देते हुए कट करना है, यानी कि थ्रेड नज़र आना चाहिए इस तरह से। अब मैं राइनस्टोन ले रही हूँ और B7000 ग्लू का यूज़ करते हुए हमें इसे पेस्ट करना है। तो जो हमारा फ्लावर है उसके बीच में हमें इसे बैक की तरफ से इस तरह रख देना है, और अब ग्लू को हमें अप्लाई करना है ताकि ये हमारे फ्लावर के बीच में पेस्ट हो सके। जो थ्रेड हमने एक्स्ट्रा कट किया था उसे भी हमें ग्लू के साथ बीच में ही कवर कर लेना है, और अब स्टड के ऊपर ग्लू लगाते हुए अपने फ्लावर के बीच में पेस्ट कर देना है। और इसी तरह हमें दूसरा भी रेडी कर लेना है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इजी वे पसंद आएगा। तो ऐसे ही न्यू ज्वेलरी आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल अंजू ज्वेलरी क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।